नमस्कार, मैं हूं मिस्टर स्टॉक। तो दोस्तों, निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक एक्सिस बैंक के शेयर ने 4 महीने के भीतर निवेशकों को 49% का रिटर्न दिया है और अभी के समय में ये शेयर यानी कि एक्सिस बैंक का शेयर 3% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है और बाजार के जानकारों के मुताबिक ये निवेश का बेहतर मौका है। मार्केट एक्सपर्ट के मुताबिक इसके शेयर 1,185 रुपये तक पहुंच सकते हैं, जो कि 35% अपसाइड है। दोस्तों, पिछले 3 साल में एक्सिस बैंक ने तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया है और पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है और इसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें एक्सिस बैंक के शेयर में दिख रहा है। दोस्तों, एक्सिस बैंक का ये निवेश आगे भी जारी रह सकता है और कंपनी मुनाफे बढ़ाने पर फोकस कर रही है, बैंक की एसेट क्वालिटी भी बेहतर हो रही है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट का ये मानना है कि ये शेयर 1,185 रुपए से 1,195 रुपए तक जा सकता है। दोस्तों, सितंबर तिमाही में एक्सिस बैंक का स्टैंड अलोन प्रॉफिट 70% बढ़कर 5,329 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं एक्सिस बैंक की इनकम सालाना आधार पर 20,134 करोड़ रुपए से बढ़कर 24,180 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि एक्सिस बैंक का जो NPA है वो घटकर 2.50% पर आ गया है। चलिए अब एक नजर एक्सिस बैंक के शेयर पर डालते हैं। तो दोस्तों, यह एक्सिस बैंक का शेयर चार्ट जो कि 1 वीक के टाइम फ्रेम में है और आप देख सकते हैं कि जगह पे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बन रहा है और दोस्तों, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनने के बाद इस शेयर ने ब्रेकआउट दिया था। हालांकि ये शेयर ब्रेकआउट देने के बाद नीचे वापस आया इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए और अब ये शेयर ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। अगर आपको नहीं मालूम कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न क्या होता है तो आपको बता दें कि जब इस तरीके का चार्ट पैटर्न किसी भी शेयर में बनता है तो उस शेयर के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक बढ़ोतरी का संकेत होता है, जैसा कि आप दूसरे कंपनी के शेयर चार्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जानना है कि कौन सा शेयर कब बाय करना है और कौन सा शेयर कब सेल करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि आप कमेंट करके बताइए कि आपके पास एक्सिस बैंक के कितने शेयर हैं और आपको एक्सिस बैंक के शेयर में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।